हेलो नमस्कार दोस्तों, नाम मेरा बॉबी और यूट्यूब पे जानकारी देनी मेरी हॉबी। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ महिंद्रा स्कॉर्पियो, फुल ब्लैक कलर है, मतलब आप इसको जेट ब्लैक कह सकते हो। भाई काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि बॉबी भाई ब्लैक कलर में स्कॉर्पियो पे आप बताओ कि ब्लैक कलर में क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो भाई मैं आपको सबसे पहले बता सकता हूँ कि ब्लैक कलर मेरा पर्सनली फेवरेट है और भाई स्कॉर्पियो मुझे ब्लैक कलर में ही काफ़ी अच्छी लगती है। तो आपको कैसी लगती है, ब्लैक में अच्छी लगती है, रेड में या फिर वाइट में या फिर ग्रीन में या फिर कोई और कलर, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग वीडियो पे पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जैसे ही मैं वीडियो डालूं वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उसी टाइम उसको देख लो। तो भाई आपने लाइटिंग देखी, ये है S3+ वाला वेरियंट है जो कि ब्लैक में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देख सकते हो आप लोग। भाई सबसे पहले हम गाड़ी की प्राइस रेंज की बात करते हैं, तो भाई ये लगभग 13-13.5 लाख से शुरुआत होगी, 18 लाख तक एक्स शोरूम प्राइस चला जाता है। ये भी भाई आपको एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ, लगभग 14.5 से लेके 20-21 तक ऑन रोड प्राइस चला जाता है ये। और ये अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग प्राइस रेंज है, कोई बात नहीं। और आगे बढ़ते हैं भाई हम, ये इसमें भाई हमें दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। एक आता है 7 सीटर, आगे 2 लोग, फिर 3 लोग और फिर 2 लोग, तो 2, 3, 5 और 2, 7 लोग बैठ जाते हैं। और भाई 1-1 लीटर की आप लोग पानी की बोतल वगैरह रख सकते हो आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के। और एक आता है इसमें S5 वाला वेरियंट जिसमें 9 लोग आसानी से बैठ जाते हैं भाई, मतलब 2 लोग आगे, 3 लोग पीछे, 5 और 4 लोग पीछे, 2 और 2 इधर। तो भाई आप लोगों ने सही सुना, 9 सीटर भी आती है स्कॉर्पियो में। तो उसकी आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके आ जाऊंगा। और भाई इसमें हमें AC वेंट देखने को मिल जाते हैं, मतलब पर्सनली बता दूं मैं आपको, अगर आप भाई स्कॉर्पियो का छोटा वेरियंट ले रहे हो, मतलब वही आप लगभग 14-15 लाख तक रुपये डाल रहे हो, तो भाई आप लोग ब्लैक कलर लेना, ब्लैक कलर में काफ़ी अच्छी लगती है। और भाई ब्लैक कलर में ज़्यादातर पता भी नहीं चलता कि ये S5 है, S7 है, S9 है या फिर S11। S11 तो टॉप मोस्ट वेरिएंट है जो कि अलग से ही दिख जाता है। और भाई इंजन CC की बात करें तो इसमें 2.2 CC का इंजन देखने को मिल जाता है, लगभग 2180 के समथिंग का। और भाई BHP की बात करें तो ये 140 BHP प्रोड्यूस कर देती है। और भाई इसमें मैनुअल वेरिएंट ही देखने को मिलते हैं, और इसमें भाई आप लोग को टच बाहर से डलानी पड़ेगी जो मतलब बेस वेरिएंट है। अगर आपको टॉप मोस्ट वेरिएंट चाहिए तो आपको भाई लगभग 19 से 20 लाख के समथिंग देने पड़ेंगे, लेकिन आपको भाई आफ्टर मार्केट कोई काम नहीं कराना, मतलब आपको भाई सब कुछ पहले से ही लगा हुआ मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसमें हमें S3 में भाई हमें एलॉय देखने को नहीं मिलते, लेकिन ये बेनिफिट है एलॉय आप बाहर से अपने मन के भी डला सकते हो, जो कि लगभग 40-50-60 हज़ार के डल जाते हैं। मैं ये बता रहा हूँ बेस वेरिएंट के लिए। तो भाई काफ़ी अच्छी है, ब्लैक कलर में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ देखने को मिल जाती है। और भाई LED DRLs, फॉग लैम्प, हेलोजन लैम्प, ये सब के सब हमें टॉप मोस्ट वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं, और ये देख सकते हो। और इसमें भाई जो छत है, कभी आप नोटिस करना, S3 में और S5 में और S11 में थोड़ा सा डिफरेंस है, और भाई बाकी के फीचर हैं ये। और भाई हमें टॉप मोस्ट वेरिएंट में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी फीचर देखने को मिल जाते हैं। और एक और अच्छी चीज़ है महिंद्रा स्कॉर्पियो में, हमें कैप्टन सीट्स देखने को मिल जाती है। कैप्टन सीट्स का बेनिफिट ये है, जो आगे ड्राइवर और पैसेंजर वाली सीट होती है वैसी सीट देखने को मिलती हैं, उसकी वीडियो मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके आ जाऊँगा। तो आपको ब्लैक कलर कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और हम भाई बात करते हैं इसके स्पीडोमीटर की। इसमें भाई 2 तरह के स्पीडोमीटर देखने को मिलते हैं हमें, एक तो मिलता है मतलब ग्रीन कलर का जो होता है ये जो आपके सामने है, और एक देखने को मिलता है ब्लू और वाइट, वो काफ़ी अच्छा लगता है, वो भाई S9 से लेके S11 तक आ जाता है, तो वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो डाउन वेरिएंट है S3 है, इसमें हमें भाई LED DRL देखने को नहीं मिलते हैं, आप बाहर से इंस्टॉल करा सकते हो, लेकिन इसकी भाई प्राइस रेंज काफ़ी कम है, तो अगर आप बाहर से डलाते हो तो आपको पैसे ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। तो ये है साइड प्रोफाइल लुक, और भाई गाड़ी काफ़ी अच्छी है, आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और भाई इसका हम बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस लगभग 460 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, अगर आप पीछे वाली सीटें फोल्ड कर देते हो तो आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा सामान लेके जा सकते हो। ये कुछ पिक्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, महिंद्रा स्कॉर्पियो जेट ब्लैक कलर, आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ब्लैक कलर या फिर वाइट कलर। और भाई जिस भाई ने भी ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन मांगा है, मतलब
कंपैरिजन, सॉरी। तो भाई मैं आपके लिए कंपैरिजन जल्दी से जल्दी लेके आ जाऊँगा। आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जैसे ही मैं वीडियो डालूँ वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप उसी टाइम उसको देख लो। तो ये देख सकते हो आप लोग, कुछ फ़ोटोज़ हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके सामने। ये है S5 वाला वेरिएंट है ये जो आपके सामने खड़ा है। भाई S5 में S3 में कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ भाई जब आप लोग डाउन वेरिएंट लेते हो 14 से 15 लाख तक में, तो भाई आप लोग ब्लैक कलर की तरफ जा सकते हो। उससे मतलब कलर अच्छा मिल जाता है और गाड़ी दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।